जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई उमर शेख आज इस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं। ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, ये मेरी पर्सनल गाड़ी भी है और मुस्तकबिल में शहजाद बाइक में भी जाएगी ये जब हम मुल्तान में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अपनी गाड़ी पर, जिस गाड़ी पर आप फिरते हो उसका रिव्यू क्यों नहीं देते। मैंने सोचा आज इसी गाड़ी का रिव्यू देते हैं आपको और आपको भी पता लगेगा गाड़ी के कौन कौन से फंक्शन है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, ये क्या क्या काम करती है। तो आए फिर गाड़ी का वॉकराउंड देते हैं आपको। वॉकराउंड देने से पहले आपको दिखा दें इसकी लाइट, ये प्रोजेक्टर लाइट है, ये एलईडी लाइट है, ये फोग लैंप है और ये डीआरएल लाइट है। तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये 15 मॉडल है, 18 की इंपोर्ट है। ये इसका फ्रंट चेक करें, बम्पर बड़ा खूबसूरत बम्पर है और ये इसकी लेफ्ट साइड है और इसके अंदर रिम इंस्टॉल आते हैं बिल्टन जापान से ही। इसका टायर साइज है 14/55/65/14 और ये देखें आपकी साइड प्रोफाइल है। ये बेसिकली टू डोर गाड़ी होती है और ये पिछला चेक करें आप, इसकी छत भी खुल जाती है, डिग्गी भी खुल जाती है, डिग्गी में सामान ज़्यादा नहीं रख सकते। ये डुअल साइलेंसर होती है, टर्बो होती है गाड़ी, 660 सीसी टर्बो, डायहाट्सो रूप इसका नाम है, डायहाट्सो रूप कूपन। और ये डुअल साइलेंसर इसके अंदर लगे होते हैं, हालांकि ये 660 सीसी होती है लेकिन फिर भी इसका एग्जॉस्ट ये जापान के फिक्स होते हैं। ये डबल साइलेंसर है टर्बो, यानी कि ये 1000 सीसी से प्लस बनेगी गाड़ी। और इसकी ये बैक लाइट है, बैक लाइट आप चेक कर सकते हैं कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये पीछे वाली इसकी स्टाइल है और इस साइड से भी दिखा सकते हैं, कीलेस एंट्री है इसकी, ये देख सकते हैं आप, बटन से ही खोल लें, बटन से ही बंद कर लें। और ले चलते हैं आपको इसके अंदर की तरफ। अंदर से जाने से पहले आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है, मेहरान से भी छोटा है, आल्टो से भी छोटा है और बहुत ही छोटी सी गाड़ी है ये। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कितनी छोटी गाड़ी है। मैं बड़ा फंस के बैठता हूँ लेकिन मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा करता हूँ इसमें। चलते हैं आपको इसके अंदर लेके और ये देखें, अंदर से चेक कराता हूँ आपको मैं। ये इसका स्टेरिंग एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये इसका पुश स्टार्ट है, पुश स्टार्ट गाड़ी है ये। ये देखें, ये गाड़ी टोटल मेरी चली हुई है, जब मैंने ली थी तो कम चली हुई थी, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चला ली इस गाड़ी को। एवरेज भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह 18.6, यानी कि 18.5 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। चली है 33,500 गाड़ी चली हुई है। और ये एसी इसका इतना ज़बरदस्त एसी है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्लाइमेट जोन एसी है। और ये चार्जिंग सॉकेट है इसकी और ये इसका डबल इंडिकेटर है। एयर बैग की ऑप्शन इसके अंदर होती है, एक दो और दो ही ऑप्शन होती हैं। सीटें जो हैं इसकी बकेट्स हैं, बकेट सीट होती हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर बैठ के आपको फील ही नहीं होता, ऐसे लगता है कि आपको जकड़ लिया है। और ये इसके अंदर लॉक सिस्टम है, आपने लॉक करने और लॉक कर दें, बाकी सामान इसमें पड़ा हुआ है क्योंकि ये पर्सनल यूज़ की गाड़ी है। इसमें हीटेड सीट है, ये लेफ्ट राइट वाली हीटेड, ये लेफ्ट वाली हीटेड। और ये इसका बॉक्स होता है सामान रखने के लिए, आप देख सकते हैं। ये इसका डिग्गी खोलने का बटन है और ये पेट्रोल का ढक्कन खोलने के लिए बटन है। ये इसके मिरर ऊपर नीचे होते हैं, आप मिरर देख सकते हैं, ये इसके मिरर हैं ऊपर नीचे होने के। और ये इसका गियर बॉक्स है, ये ऑटो गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये मैनुअल भी कर चला सकते हैं आप, ये प्लस माइनस ये देखें। और अच्छा तो इसकी ब्लैक है, ये देखें, छोटी सी गाड़ी है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। और इसका छत भी खोल के दिखाते हैं आपको, ये छत के लॉक हैं इसके, ये लॉक आप पीछे करेंगे, ये लॉक भी आप दबा कर पीछे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ना लाइट आ जाएगी कि आपकी रूफ खोल रहा है या खुल रहा है, ठीक है। फिर ये आपको दिखाते हैं इसकी छत खोल कर, बटन दबा के रखना आप लोगों ने, दबा के रखेंगे छत पहले डिग्गी खुलेगी, डिग्गी खुलने के बाद ऑटोमेटिक डिग्गी के अंदर छत चली जाएगी और ये हमारी हो जाएगी छत ख़त्म। अब ये हमारी ओपन रूफ कार हो जाएगी, बताएं गाड़ी कैसी लग रही है आपको। बहुत ही मज़ेदार लग रही है गाड़ी। अब आपको इसकी वॉक अराउंड देते हैं, आपको चला कर दिखाते हैं, इसका साउंड चेक कराएं ड्राइव। आपको ड्राइव भी दिखाते हैं इस गाड़ी की, ये बहुत ही ज़्यादा भागती है गाड़ी।
ये तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी, मज़ा आया आप लोगों को, एंजॉय किया आप लोगों ने? और क्या नाम है, एक और बात बताना मैं भूल गया, ये बैक व्हील ड्राइव है, यानी कि इसके पीछे वाले व्हील चलते हैं, आगे वाले व्हील इसके नहीं चलते। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कराती है। अभी मैं मरी गया था, पूरे मरी में लोगों ने मुड़ मुड़ कर देखा, मैं जिधर से गाड़ी को लेकर जाता हूँ इसके फ़ैन इकट्ठे हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है। ये मैंने तो 35 लाख की ली थी जब मैंने ली थी गाड़ी को, और मुझे इसकी काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफरें आ गई हैं, लेकिन मैंने ये गाड़ी सेल नहीं करनी। और ये बस वैसे ही आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूँ गाड़ी का मैं, कि आप लोग भी आइडिया हो कि भाई ये गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है। तो काफ़ी लोगों का मैसेज थे जिस गाड़ी पर आप फिरते हैं उसके भी आप हमें रिव्यू दें। तो आज का रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर मेरे, और मेरे डेली व्लॉग भी आप लोग देख लिया करें, आप लोगों के लिए कितनी तो एफर्ट होती है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपका भाई उमर शेख।